Hello everyone, this is Saksham and today I will be going to explain you the poem A Photograph by Shirley Thurston of Hornbill, NCERT class 11. So before starting the video, if you have not subscribed to my channel, please do subscribe my channel and don't forget to press on the bell icon so that you can get further notifications of posting of my video. So without wasting any time, let's start our video. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling. The cardboard shows me. What is the cardboard? It is a photograph. So photograph jo hai, wo show karta hai how it was, kaise dikhti thi wo, when the two girl cousins went paddling. जो दो गर्ल कजन्स जो थी वो पैडल करने के लिए जा रही थी. पैडलिंग मीन्स वॉकिंग बेयर फुट इन शैलो वाटर. बेसिकली ये जो पोयम है वो कहाँ है, नियर द ये जो इसका जो सीन सेटअप हुआ है ये बीच के पास का सीन है. तो बीच के पास में जो बेयर फुट जो है वहाँ पर पैदल चलने में जो है काफ़ी अच्छा सा फील होता है, नियर द ओशन वाटर. सो थर्ड लाइन, Each one holding one of the mother's hand. So, दो cousins थे वहाँ पर, दोनों cousins ने एक एक hand poet की mother का पकड़ रखा था. It means poet की जो mother थी वो center में थी और एक hand एक cousin ने पकड़ रखा था और दूसरा hand दूसरी cousin ने पकड़ रखा था. And she the big girl. और इन तीनों में जो सबसे बड़ी कौन थी, poet की mother थी. Some 12 years or so. तो यहाँ पर पोएट की मदर की एज कितनी बताई गई है, 12 इयर्स या फिर 12 इयर्स और सो मींस 12 या फिर 13 इयर्स की. ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर टीयर्स. ये तीनों जो है वो खड़ी हुई हैं. स्टूड स्टिल यानी कि वो फोटोग्राफ में ऐसा लग रहा है कि वो पोज दे रही हैं और स्माइल कर रही हैं थ्रू देयर हेयर्स, यानी कि मे बी ब्रीज के थ्रू जो है उनके हेयर्स जो है फेस पर आ गए हो, उनके हेयर जो है काफी उड़ रहे हो तेज हवा की वजह से. एट द अंकल विद कैमरा. और ये जो तीनों जो गर्ल्स हैं वो किसकी तरफ देख रही हैं, अंकल की तरफ देख रही हैं और स्माइल कर रही हैं किसके साथ में, कैमरा के साथ में. अ स्वीट फेस माई मदर दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न. सो यहाँ पर पोएट ने अपनी मदर का फेस बताया है कि वो कैसा था, स्वीट फेस था, क्योंकि उनकी एज कितनी बताई हुई है, 12 और 13 इयर्स एज. सो ये जो टाइम था ये किस टाइम की फोटो है, जब पोएट बॉर्न नहीं हुई थी, पोएट के बॉर्न होने से पहले की है ये. एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस. सो अब अगर पोएट अपनी मदर की इमेज को देखती हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी मदर में काफ़ी सारे चेंजेस आ गए होंगे और जो सी है उसमें सी में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आए हैं. वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट. इट मीन्स ट्रांजिएंट मीन्स टेम्प्रेरी. सो ये जो ओशियन होता है, ओशियन के पास में जब हम बेयर फुट चलते हैं तो वो जो फीट्स जो हमारे जो छप जाते हैं वो परमानेंट नहीं होते, वो कुछ टाइम के बाद में हट जाते हैं ड्यू टू द वेव्स. जो वेव्स आती हैं वो उन फीट्स जो छपे हुए होते हैं उनको हटा देती हैं. तो यहाँ पर एक तरीके से इस लाइन का मीनिंग क्या है कि एवरीथिंग जो है वो ह्यूमन के द्वारा जो करी गई होती है वो टेम्प्रेरी होती है, नथिंग इज परमानेंट. तो विद द चेंजेस इन द नेचर, जैसे जैसे नेचर में चेंजेस आते रहते हैं तो ये टाइम के हिसाब से जो है सब कुछ चेंज हो जाता है. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. सम 20 और 30 इयर्स लेटर, 20-30 इयर्स के बाद में, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट. कौन लाफ करेगा, पोएट की मदर लाफ करेगी और क्या कहेंगी, सी बेटी एंड डॉली शी वुड से. और वो कहेंगी जो अदर टू गर्ल्स हैं उनका नेम क्या है, बेटी और डॉली. और वो उनको कहेंगी एंड हाउ एंड लुक हाउ दे ड्रेस अस फॉर द बीच.
कि उन्होंने किस तरीके से जो है बीच पर ड्रेस पहन रखी है, क्योंकि बीच ड्रेस जो होती है वो डिफरेंट होती है. द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, सो द पोएट डिस्क्राइब्ड इट एज कि मतलब जो सी हॉलीडे है वो किसके लिए पास्ट होगा, उसकी मदर के लिए पास्ट होगा, क्योंकि उसकी मदर ने जो सी हॉलीडे था वो एट द एज ऑफ 12 और 13 ईयर्स में इंजॉय करा था. माइन इज हर लाफ्टर. सो यहाँ पर इस लाइन को समझना बहुत जरूरी है कि जो सी हॉलीडे है वो क्या था, किसके लिए पास्ट था, उसकी मदर के लिए पास्ट था, और ये पोएट के लिए क्या पास्ट हो गया है, उसकी मदर की लाफ्टर, उसकी मदर की स्माइल देखना जो है वो उसके लिए एक पास्ट की तरह हो गया है, क्योंकि वो अब अपनी मदर को हंसते हुए नहीं देख सकती. उसकी मदर जो है वो डाइड हो गई है, यानी कि उनकी मदर की डेथ हो गई है. बोथ व्राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस. बोथ व्राई मीन्स अंडरवेंट. व्राई मीन्स अंडरवेंट होता है कि मतलब दोनों ने ही खोया है. क्या क्या मतलब लेबर्ड ईज ऑफ लॉस. लेबर्ड मीन्स एक तरीके से जो बहुत ज़्यादा काम करा गया है, और जो ईज है, ईज यानी कि बहुत ज़्यादा ईजिली. यहाँ पर दोनों चीज़ें मतलब अपोजिट चीज़ें एक साथ में यूज़ करी गई हैं. तो एक ने तो काफ़ी मेहनत की है और एक ने जो है बहुत ही ईजिली लॉस करा है इन चीज़ों को. तो मतलब बहुत ही कंपैरिजन है, बहुत ही अपोजिट चीज़ें हैं यहाँ पर, और दोनों ने ही लॉस करा है. किस चीज़ का, जो पोएट की जो मदर है उन्होंने तो अपना जो पास था, जो सी हॉलीडे एंजॉय करा था, अब वो दोबारा सी हॉलीडे में नहीं जा पाएंगी. और जो पोएट की जो मदर है, जो पोएट है वो दोबारा से अपनी मदर को नहीं देख पाएंगी, क्योंकि उनकी मदर अब चली गई है इस वर्ल्ड को छोड़कर, वो अब यहाँ नहीं है. Now, she would have been dead nearly as many years as that girl lived. So, अब वो जो है कितने साल हो गए उनकी डेथ को, nearly उतने ही years जितने years की वो फोटो में दिख रही हैं. कितने years की दिख रही हैं वो फोटो में, 12 years की दिख रही हैं. तो उनकी डेथ को भी कितने years हो गए हैं, 12 years हो गए हैं. And for this circumstance, there is nothing to say at all. और इस circumstance से, इस condition से कुछ भी अब nothing to say at all. अब poet की mother के पास, poet के पास में कहने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो अब इस sadness को, अब इस loss को जो है वो सहन नहीं कर पा रही है. It's silence का meaning है द साइलेंस ऑफ गर्ल इन द फोटोग्राफ. जो फोटोग्राफ में जो गर्ल का जो साइलेंस है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, पोएट भी साइलेंट हो गई हैं और उसके पास में कोई भी वर्ड्स नहीं है, क्योंकि वो अपनी मदर को अब नहीं देख पाएंगी, क्योंकि उन्होंने जो है सब कुछ खो दिया है, अपनी मदर को खो दिया है, अपने बिलव्ड को खो दिया है. वंस अगेन इट्स साइलेंस. साइलेंस का मीनिंग है द साइलेंस ऑफ गर्ल इन द फोटोग्राफ. जो फोटोग्राफ में जो गर्ल है उनका साइलेंस, उस साइलेंस की वजह से क्या हुआ है, जो पोएट है वो भी साइलेंट हो गई हैं और वो कुछ नहीं बोल पा रही हैं. उनके पास में कोई वर्ड्स ही नहीं है कहने के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी मदर को खो दिया है. सो बेसिकली इस पोएम का मीनिंग क्या है कि जो एवरीथिंग, जो ह्यूमंस वगैरह जो भी बनाते हैं वो कभी भी परमानेंट नहीं रहते. टाइम के हिसाब से सब कुछ चेंज हो जाता है, और ये कभी भी जो है मेमोरीज जो हैं, हम फोटोग्राफ्स के अंदर अपनी मेमोरीज वगैरह को देख सकते हैं और हम उनको याद कर सकते हैं. बट उसके अलावा अगर हम रियलिटी में देखें तो सब कुछ चेंज हो जाता है टाइम के हिसाब से. ह्यूमन बीइंग्स में भी काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम. मेमोरीज जो होती हैं वो हमेशा वही रहती हैं, और अगर फोटोग्राफ्स के थ्रू मेमोरीज हों तो वो लाइफ टाइम भी रहती हैं. ओके, बट जो कुछ चीज़ें हम नेचर के साथ में जो भी होता है वो एक टेम्प्रेरी है, वो परमानेंट नहीं रहता है.
So hope you understand this chapter. If you are having any doubts regarding the above poetry, you can comment in the comment sections below. So for more educational videos like this, please like, share, and subscribe to my channel. Thank you.